हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आज मैं आपको इसी के पीछे का सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पर जाकर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। गंगा सागर वह स्थान है जहां नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इस कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दोस्तों पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकदीप जाना होता था, जहां हार्वर्ड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते थे। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा काफी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब हम जानेंगे कि गंगा सागर की क्या कहानी है। रामायण की कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की दो रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था, इसलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सागर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सागर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे, जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सब अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफी समय तक राजा सागर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पंजर और राख देखी तो वह समझ गया कि क्या मामला है। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सागर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सागर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सागर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ वचन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया।
और वहाँ से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हरदिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भागीरथ के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ रथ में चलते चले गए। चलते चलते भागीरथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके प्रपितामह भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशोषों के ऊपर से बहते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली, गंगा सागर वही स्थान है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वह मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में यहां कपिल मुनि का नया मंदिर बना जहां श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा सा डेल्टा द्वीप है जिसकी आबादी करीब 2,00,000 और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज्यादातर क्षेत्र में घने जंगल है। कपिल मुनि के अंदर वे आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, भारत सेवा आश्रम संघ का मंदिर, धर्मशालाएं भी हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।